अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे पास है अभी रेडमी 13C और रेडमी 13C में जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 15, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली ये एक कस्टम रोम है और कस्टम रोम की मदद से हमने जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप है, गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही जो आपको एनटूटू बेंच स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सरप्राइजिंगली आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको और बहुत से नए फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको शाओमी हाइप्रोस में देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की रोम है आपके रेडमी 13C के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको तो बताऊंगा किस तरह से आपने एंड्रॉइड 15 बेस्ड जो कस्टम रोम है उसको आपने कैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को हमें शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं इस रोम के बारे में। तो इस रोम का जो नाम है वो याप, इसका जो नाम है वो याप है। और यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन है लेटेस्ट आपको यहाँ पे 15 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन भी वो भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो OTA की अपडेट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जब कोई OTA की अपडेट यहाँ पर रोल आउट होती है तो आपको उसकी सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से इजीली आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टेटस बार की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, मिसकेलरीज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एडवांस रिबूट की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो एडवांस रिबूट है वो उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आप इसको डिसेबल या एनेबल अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको काफी ज्यादा जो कस्टमाइजेशन है वो देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको क्विक सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आप अपनी मर्जी के साथ इसको एनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको गेमिंग मैक्रो की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर जो है उसको यहाँ पे एड किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काफी स्मूथ और स्टेबल रोम देखने को मिलेगी। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आपको नेटवर्क ट्रैफिक डिस्प्ले की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, डबल टैप टू वे की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लॉक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, आप अपना जो क्लॉक है उसको सेंटर में या राइट लेफ्ट में किसी भी जगह पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बैटरी के स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं। ये सारे फीचर जो है, ये आपको जो स्टॉक रोम होती है, यानी कि हमारी जो हाइपरोस बेस्ड कस्टम रोम या स्टॉक रोम होती है, उसमें आपको देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमने ये कस्टम रोम है जिसकी मदद से हमने यहाँ पे ये सारे फीचर्स को एनेबल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जेस्चर की जितनी भी ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको कस्टमाइजेशन इसकी कुछ दिखा दी जो इसकी बेसिक कस्टमाइजेशन थी। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डिवाइस अनलॉक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट है वो भी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से काम करता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफी यहाँ पे फास्ट देखने को मिलता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद वॉलपेपर स्टाइल की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। जो क्लॉक के स्टाइल हैं उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी भी क्लॉक स्टाइल को यहाँ पे पिक कर सकते हैं और उसको यहाँ पे इजीली एनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो आइकॉन्स हैं उसके ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी मर्जी के साथ किसी भी आइकॉन को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको सिंपल यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, तो आपके जो आइकॉन्स हैं यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह के वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फॉन्ट की ऑप्शन देखने को मिलती है आपको, तो यहाँ पे फॉन्ट भी आप अपनी मर्जी के साथ किसी भी फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे जो फॉन्ट है हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो बाकी ऑप्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लॉक की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, इसके जो कलर है वो आप अपनी मर्जी के साथ किसी भी कलर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा जो इसमें सेटिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो आपको यहाँ पे बिल्टन जस्ट एक वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि ये ऑफिशियल यहाँ पे आप जो रोम है उसका आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ डिस्प्ले में आपको काफी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि थीम से रिलेटेड जो आपको स्टाइल से रिलेटेड जो डिस्प्ले के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप
अपने थीम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कलर कंट्रास्ट की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो बाकी स्मूथ डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल को 90 हर्ट्ज पे यहाँ पे जो रन कर सकते हैं, और काफी ज्यादा स्मूथ आपका मोबाइल यहाँ पे प्ले होगा। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं डबल टैप की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से, यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ब्लोटेड रोम है या ब्लोटेड जो एप्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। तो फुली डी ब्लोटेड रोम है। इसमें आपको जो अनवांटेड सिस्टम एप्स हैं वो आपको शाओमी हाइपरस की तरह देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी की कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर एनटूटू बेंचमार्क की यहाँ पे स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छा जो स्कोर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी 13C है, और यहाँ पे हमें जो 2.5 लाख के करीब जो स्कोर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सीपीयू जीपीयू वगैरह है और यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो आपको सेफ्टी नेट है वो यहाँ पे आपको बेसिकली जो है वो यहाँ पे आपको पास देखने को नहीं मिलता। तो अदरवाइज आपको जो यहाँ पे बाकी चीजें हैं वो यहाँ पे सारी काम कर रही हैं, जैसे कि प्ले स्टोर है वो इसमें आपको नॉट सर्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पे जो प्ले स्टोर है वो भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। सब एप्स को यहाँ पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात कर लेते हैं अगर इसकी गेमिंग के बारे में, तो इसमें जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो पबजी है उसको आप 40 FPS तक रन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको FPS मिलते हैं वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे स्टेबल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है वो 15 देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं जो अल्ट्रा की ऑप्शन देखने को मिल जाती है बैलेंस पे, और HD पे आपको हाई की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यानी कि आप यहाँ पे स्मूथ अल्ट्रा पे इजिली इसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 40 FPS का डिसेंट गेम प्ले है वो यहाँ पे आप रन कर सकते हैं, और काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है और गेमिंग का एक्सपीरियंस है काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा आपको यहाँ पे एंड्रॉइड का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको 1080p तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये 30 FPS पे ही आपको यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो फोटोज हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कैमरे का जो ऑप्शन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई की दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डायलर की। डायलर आपको यहाँ पे गूगल का देखने को मिलता है, साथ ही आपको जो मैसेजिंग ऐप है वो भी आपको यहाँ पे गूगल की देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इस रोम को अपने रेडमी 13C में इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके मोबाइल में जो कस्टम रिकवरी है उसका होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से आपने कस्टम रिकवरी को अपने रेडमी 13C में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो आपके मोबाइल का बूट लोडर है उसको अनलॉक होना जरूरी है, और उसके बाद ही आप जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता बूटलोड को कैसे अनलॉक करना है, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई भी आके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपने अपने मोबाइल को पावर ऑफ करना है, और वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन जो है कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस किए रखना है। जैसे ही आपको MI का लोगो शो हो तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा मोबाइल है वो फास्ट बूट मोड पे यहाँ पे बूट कर चुका है। तो इस पे आप बाद आपने करना क्या है फ्रेंड, अपने मोबाइल को आपने PC की मदद से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डाटा केबल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको ये दो फाइल्स की जरूरत है, यहाँ पे बूट और उसके बाद जो जैप की ऑफिशियल कस्टम रोम है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप उस दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने CMD को ओपन कर लेना है। CMD को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो यहाँ पे कमांड टाइप करनी है, रन करनी है, वो है आपकी फास्ट बूट डिवाइसेस। आप यहाँ पे आप रन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे जो आपका मोबाइल है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यानी उससे आपको इजीली जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम अब टाइप कर लेते हैं अपने CMD में फास्ट बूट डिवाइसेस, और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फास्ट फूड डिवाइसेस, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल है यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिवाइस है हमारी यहाँ फास्ट फूड मोड में अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आपका ये डिवाइस कनेक्ट नहीं होती तो इसका मतलब है आपके जो एडीबी फास्ट फूड ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो वो भी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने फास्ट फूड फ्लैश बूट लिखना है, उसके बाद आपने जो यहाँ पे बोर्ड की यहाँ पे फाइल है उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एंटर का बटन यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मोबाइल है यहाँ पे जो बूट करेगा वो कस्टम रिकवरी में बूट करेगा। तो उसके बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट रीबूट रिकवरी। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे जो आपका मोबाइल है ये ऑटोमेटिकली जो कस्टम रिकवरी है बूट ये आपकी उसमें जो है बूट कर जाएगा। उसकी मदद से हम यहाँ पे जो कस्टम रोम है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो रीबूट हो चुका है, और जो यहाँ पे जो कस्टम रिकवरी है ये आपकी उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो ये आपका ऑफिशियल कस्टम रोम है उसको यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसकी मदद से। तो आपने करना क्या है, अपने वॉल्यूम का बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, नीचे करने के लिए आपने वॉल्यूम डाउन को यहाँ पे प्रेस करना है, और यहाँ पे अपने वाइप डाटा फैक्ट्री सेटिंग में चला जाना है। यहाँ पे आपने फैक्ट्री डेटा रीसेट को आपने प्रेस कर देना है, यहाँ पे आपका जितना भी डेटा है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। याद रखें अगर आपको डेटा चाहिए तो पहले इसका बैकअप बना लें या अपने डेटा को सेव कर लें, उसके बाद ही इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने करना क्या है, आपने फिर वॉल्यूम के बटन को यहाँ पे आपने उसकी मदद से आपने वॉल्यूम डाउन करना है, और यहाँ पे आपको जो अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी है उस ऑप्शन में आप आ जाना है। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम डाउन का बटन दबाया, तो यहाँ पे आपने फिर पावर का बटन जो है उस पे आपने उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम आ गए अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को आपने पावर की मदद से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स पावर की को प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा मोबाइल है ये एडीबी साइड लोड में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम पीसी की मदद से यहाँ पे जो याप की जो हम पे कस्टम रोम डाउनलोड की हुई है यहाँ पे हम उसको फ्लैश करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो अपने मोबाइल है उसको एडीबी सेटअप में यहाँ पे बूट कर लिया है। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, अब आपने अपने पीसी पे जाना है, और पीसी में आपने कुछ कमांड को यहाँ पे रन करना है। जस्ट एक कमांड है उसको आप यहाँ पे रन करेंगे, कमांड है एडीबी साइड रोल लिखेंगे, उसके बाद जो आपको याप 15 की जो कस्टम रोम है उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है यहाँ पे उसके जो फ्लैशिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाता है, 100% हो जाता है, तो उसके बाद आपने अपने मोबाइल को एक बार रीबूट कर लेना है। तो इससे हमारा जो एंड्रॉयड 15 बेस्ड जो याप कस्टम रोम है वो हमारे रेडमी 13C में इंस्टॉल हो जाएगी।